हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हैजर्ड्स। देखिए, ये चैप्टर का हमने ब्रीफ कर लिया था, आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में है, यानी वन वर्ड भी कह सकते हो आप इसे। ये क्वेश्चंस मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं, यानी बोर्ड के ऊपर, तो बारी बारी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके का पैटर्न जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो इग्नू का एग्जाम हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, या फिर आप कह सकते हो कोई अदर। अगर किसी ने इस लेक्चर का पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, यानी प्रीवियस लेक्चर, तो उसको पहले देख ले, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। भोपाल डिजास्टर वाज अ गैस लीक इंसिडेंट विच हैपन एट द पेस्टिसाइड प्लांट। देखिए, भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, यानी इसका मतलब था कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जिसके अंदर 1500 लोग मारे गए थे, ठीक है। यानी पेस्टिसाइड क्या है, एक केमिकल फैक्ट्री थी जहां पर बनते थे, ठीक है, कहां पर, भोपाल के अंदर। तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और यह भी याद रखना कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर 1500 लोग मारे गए थे, भारत का सबसे ज्यादा खतरनाक डिजास्टर कह सकते हैं उसको एक तरीके से। इसमें हुआ क्या था, एमोनियम साइनेट एक गैस थी, वो फैल गई थी पूरी तरीके से इस फैक्ट्री के अंदर से, यानी इस कंपनी के द्वारा, जिसके अंदर 1500 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग क्या हुए, प्रभावित हुए, यानी आप कह सकते हो इसकी चपेट में रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एसपीएम स्टैंड फॉर। अब देखिए यहां पर एसपीएम के बारे में पूछा गया है। एसपीएम, इसका फुल फॉर्म मैंने आंसर में दे दिया है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया इसका मैंने। इसमें लिखा गया है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब देखिए शॉर्ट में मैं आपको बता दूं ये है क्या, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब देखिए बहुत सारे फ्यूम्स, स्मोक वगैरह आप कह सकते हो, मिस्ट है, या फिर आप कह सकते हो स्मोक है, या फिर आप कह सकते हो स्मोक है, या फिर बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का जो धुआं होता है, यानी आप कह सकते हो पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन अगर किसी ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर बैठ जाता है तो उसको, उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम कर देता है। तो यही है वो एसपीएम, ठीक है, यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलर या पार्टिकुलेट मैटर, इसका पूरा फुल फॉर्म है, ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बीओडी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस लेक्चर को देखने से पहले बीओडी जरूर देख लें, प्रीवियस लेक्चर में मैंने कराया है बहुत अच्छे से, तो यहां पर मैं शॉर्ट में फिर भी बता देता हूँ बीओडी क्या है। यहां पर बीओडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, इसका पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अलग अलग ऑप्शन दे देगा लेकिन ऑप्शन ये वाला ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। अच्छा, इसमें ये क्या मेजर करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या मेजर करता है, तो मेजर के बारे में देख लेते हैं। बीओडी मेजर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, यानी क्या मेजर करता है ये, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मेजर करता है पानी के अंदर। देखिए शॉर्ट में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, मैं इसको रब कर दूं अगर बीओडी को यहां से थोड़ा सा, तो आप ये कह सकते हो एक मेरे पास बीकर है, उस बीकर के अंदर पॉल्यूटेड वाटर है, क्या है, पॉल्यूटेड वाटर, तो ऑब्वियसली बात है वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है। अब ऑक्सीजन है यानी इसके अंदर बैक्टीरिया भी होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया है यानी यहां पर आप कह सकते हो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह भी होंगे। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको खाएगा, जो भी इसके अंदर प्लांट्स वगैरह यानी ऑर्गेनिक मैटर जो होगा। अब ये जो बैक्टीरिया इसको खाएगा तो इसको क्या जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की, यानी इसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, यानी इस बैक्टीरिया को किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। अगर मान लीजिए इस पानी के अंदर ऑक्सीजन जितना कम होगा तो आप कह सकते हो बैक्टीरिया, या फिर आप कह सकते हो उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा ये वाटर, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो शो कर रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है पानी के अंदर, और बिना ऑक्सीजन का पानी के अंदर कोई एनर्जी नहीं होता है, यानी उतना ही वो पॉल्यूटेड होगा। तो यही कॉन्सेप्ट था बीओडी का, ठीक है ना, इसका पूरा नाम था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैं यहाँ डिमांड लिख देता हूँ, इसका पूरा फुल फॉर्म है, और यही बात मैंने यहाँ पर बताई क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। बीओडी मेजर क्या मेजर करता है, ऑक्सीजन का रिक्वायर, कितना रिक्वायर है बैक्टीरिया को, ठीक है, ताकि वो डिकम्पोज कर सके ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर आप कह सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह जो होते हैं ना, जो बैक्टीरिया खाएगा उसको बोलते हैं, यानी लिविंग, ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग होता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आया है, बोला गया है कि बीओडी इन द वाटर हाई। अब देखिए अगर बीओडी हाई रहेगा यानी उसको ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज्यादा है, यानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड रहेगा, तो यहां पर क्या है,
इट रिड्यूस द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन खत्म हो गया है, डिजॉल्व ही नहीं है उसके अंदर ऑक्सीजन, यही बात बताई गई है यहाँ पर। बीओडी अगर हाई रहेगा, बीओडी का हाई का मतलब है उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड रहेगा वाटर, ठीक है। आगे करते हैं, उसके बाद देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 6 ये कहता है कि सीओडी क्या है। अब सीओडी जो है बहुत सिंपल है, इसको भी उसी तरीके से मेजर कर सकते हैं जिसको इस तरीके से मेजर किया था बीओडी को। इसका मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी केमिकल के द्वारा पता लगाया जाए कि ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, तो इसको सीओडी बोलते हैं। और सीओडी भी क्या है, मेजर करता है प्योरिटी ऑफ वाटर, जैसे बीओडी मेजर करता है ना प्योरिटी कैसी है वाटर की, ऐसे ही सीओडी भी मेजर करता है प्योरिटी ऑफ वाटर। तो इसका आंसर देखिए यहां पर है, द कैपेसिटी ऑफ वाटर कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए जब बैक्टीरिया डीकम्पोजिशन करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, या केमिकल के द्वारा डीकम्पोजिशन कराया जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसमें कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा ये डिसाइड करेगा कौन, सीओडी, ठीक है। और सीओडी जितना ज्यादा हाई रहेगा आप कह सकते हो वाटर उतना ही पॉल्यूटेड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी पॉल्यूटेड का क्या है। अब उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एमपीएन का फुल फॉर्म क्या है, तो एमपीएन का है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। अब देखिए ये भी एक तरीके का मेथड है जिससे ये डिसाइड होता है कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है। आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा इकोलाई, यानी इससे मेजर करते हैं। आप देखिए बहुत सिंपल यहां पर बताया गया एमपीएन मेथड क्या है, किस तरीके से यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं इकोलाई एक बैक्टीरिया है, वैसे ह्यूमन के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जिस वाटर के अंदर जितना ज्यादा इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाएगा आप ये कह सकते हो कि वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक लीटर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया पाया गया, तो आप ये कह सकते हो वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये एमपीएन मेथड बताता है उसका, ठीक है। इसी का यहाँ पर मैंने यूज बताया है, एमपीएन मेथड यूज्ड। तो क्या है, फॉर एस्टिमेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वियरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर सैंपल। एक वाटर सैंपल लिया, उसके अंदर कितने इकोलाई बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया पाए गए, ठीक है। और जितने ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाएंगे हम कहेंगे कि वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, और ये किसके अकॉर्डिंग, एमपीएन मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद देखिए एक और है क्वेश्चन नंबर टेन ये कह रहा है टीडीएस स्टैंड फॉर। अब देखिए यहां पर टोटल डिजॉल्व ऑक्स सॉलिड, यानी टीडीएस का क्या है फुल फॉर्म है, ठीक है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। अब देखिए ये भी यहां पर क्या है, एक प्योरिटी दिखाने का मेथड है जिसमें आप ये कह सकते हो कि एक वाटर है पॉल्यूटेड वाटर, उसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना है, ठीक है, वो भी सस्पेंडेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जितना ही ज्यादा ये रहेगा आप ये कह सकते हो कि वाटर उतना ज्यादा पॉल्यूटेड रहेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक अगर ज्यादा है तो आप कहोगे वाटर पॉल्यूटेड है बहुत, ठीक है, इसका होना भी बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक का, तभी बैक्टीरिया ग्रो करेगा। तो ये कह सकते हो टीडीएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली क्या कहते हैं प्रीवियस लेक्चर से डिपेंड है, तो उसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर मैंने सिंपल क्वेश्चन तरीके से बताए हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अदर यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं इग्नू के अलावा, तो वो भी पूरे चैप्टर्स का ब्रीफ ले लें ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना आए किसी भी तरीके की, ठीक है। इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, ठीक, थैंक यू।